हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमजे दी रॉक कपल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं महादेव का नाम लेकर, हर हर महादेव। सो इस वीडियो में हम आपको ले जाने वाले हैं 6 से 12वीं शताब्दी के बीच में विजयनगर एम्पायर और चालुक्य वंश की हिस्ट्री में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि आपसे शेयर करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन। बट उससे पहले अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम ज़्यादातर बजट ट्रिप ही प्लान करते हैं। वी प्रेफर ट्रेन, जिसमें हमारा टाइम एंड मनी दोनों ही सेव होते हैं। अभी इस वीडियो में हमारे साथ जुड़िए, जहां हम आपको बताएंगे हम्पी एंड बादामी कब जाएं, कैसे जाएं, कहां रुकें, क्या खाएं, क्या टोटल खर्चा आएगा या उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इन्हीं सब के साथ हम पहुंच जाते हैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन, जहां से हमारी ट्रेन थी 9:30 बजे बादामी के लिए। हमने प्रेफर किया था पहले बादामी जाना, क्योंकि हमने सोचा बादामी लोग हम्पी के बाद जाएंगे, बट बादामी में भी सेम रास्ता, जो कि आपको वीडियो में आगे चल के दिखाएंगे। इन्हीं सब के साथ हमें ज्वाइन कर लेते हैं हमारे ट्रेवल बडी अंशुल एंड सुरभि। यही सेम ट्रेन पहले हॉस्पिट जाएगी, जो कि आपको हम्पी के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के एंड फिर बादामी। इसी के साथ हम चल देते हैं हमारे सफ़र में। एंड ऊनो के बिना ग्रुप ट्रिप तो अधूरा रहता ही है। सो हम खेलते हैं ऊनो एंड आपसे मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नियर बाई हम्पी। वैसे हमें तो अभी और आगे जाना है बादामी, एंड हमारी ट्रेन भी करीब 1.5 घंटे लेट चल रही है। हमारी टाइमिंग थी 8:30 पर पहुँचने की। सुबह सुबह का टाइम और ये वेदर देखिए, कितना ही खूबसूरत, मन को बहुत ही ज़्यादा मोहित कर रहा है। इन्हीं सब नज़ारों के साथ धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की करीब पहुँचते रहते हैं और साथ ही ये व्यू को भी एंजॉय करते रहते हैं। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं हमारी डेस्टिनेशन बादामी। ऑटो आपको स्टेशन के बाहर से ही मिल जाएंगे एंड सेम ऑटो के साथ आप पूरे दिन के लिए बुक कर सकते हैं, जो कि आपको सारे टूरिस्ट प्लेसेस ले जाएगा। सो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड प्लेसेस भी कवर हो जाएंगे। हमने KSTDC का होटल बुक किया था, जो कि हमें पड़ा 4500 फॉर टू रूम पर नाइट एंड रूम इज 100% रिकमेंडेबल। इनकी फ्रेंचाइजीज ऑल ओवर कर्नाटका में है, सो यू कैन प्रेफर एंड होटल आर ऑल्सो वेरी नीट एंड क्लीन। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है, चलिए आपको होटल का टूर देते हैं विथ रूम टूर। आपको स्पेसियस रूम मिलेगा एंड 3 लोग आराम से स्टे कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा बेड भी डला हुआ है। बाथरूम वॉज ऑल्सो सो क्लीन एंड नीट। इलेवन ए हम निकल देते हैं ऐहोले एंड पट्टडकल, जो कि बादामी से 35 किलोमीटर है। बट उससे पहले हम करते हैं ब्रेकफास्ट इन बनासरी रेस्टोरेंट, जो कि हमें हमारे ऑटो वाले भैया नज़ीर भाई ने रिकमेंड किया था। बिलीव मी, इट वॉज सो टेस्टी एंड डिलीशियस। एंड इतना सब खाने के बाद बिल वॉज ओनली 270 रुपीज़, सो आप लोगों के लिए 100% रिकमेंडेबल है। बादामी एंड हम्पी में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, सो बेस्ट टाइम टू विजिट बादामी इज नवंबर टू फेब। गर्मी आपको तब भी लगेगी। व्हेन वी रीच्ड इन जनवरी टेम्परेचर वॉज 30 डिग्री एंड नियर बाई। सो टिप्स फॉर यू, प्लीज़ कैरी सनस्क्रीन कैप एंड कैरी सम ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक टाइप में कुछ भी ले सकते हैं एंड वाटर। ये देखिए, इस रॉक को बिना किसी सपोर्ट के बस सालों से ऐसा ही रखा हुआ है। एक्चुअली बादामी एंड हम्पी में आपको बस यही सब देखने को मिलेगा, चारों तरफ रॉक एंड बहुत ही सुंदर सुंदर शिल्प कारीगरी। सो हम्पी तभी आए अगर आपको अपने इतिहास के बारे में जानने के इच्छुक हैं। अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ऑटो का। मैंने ऑटो बुक किया था पूरे दिन के लिए 1200 रुपीज़ में, जो कि ऐहोले पट्टडकल एंड बादामी पूरा कवर करेंगे दिन में। नज़ीर भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं
और चाहे तो गूगल में सर्च करें नज़ीर ऑटो, आपको उनका नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही हम छोटे छोटे गांव से होते हुए और चारों तरफ की खेतों की चहक चहक को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इन गांवों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि हम अपने गांव में ही पहुंच गए हों। ऐहोले एंड पट्टाडाकल चालुक राजवंश के समय का एक महत्वपूर्ण शहर है। यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों, शिल्पकला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। चालुक राजवंश ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से एक मंदिर आज भी उस समय की अद्भुत शिल्पकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस स्थल की खोज में चलिए और देखिए कैसे ऐहोले और पट्टाडाकल एक समय की महत्वपूर्ण राजधानी थी, जिसका प्रभाव आज भी हमारे सौंदर्य एंड सांस्कृतिक का प्रतीक है। टाइमिंग है 6 AM to 6 PM एंड टिकट प्राइस इज 25 rupees। इफ़ यू आर कैरिंग डिजिटल कैमरा देन 25 rupees आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। इस बोर्ड में आप ऐहोल की पूरी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं जो कि 5th century to 8th century की है। मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। एक एक एक्सपेरिमेंट था जो चालुक्य साम्राज्य का था टू बिल्ड मोर टेम्पल्स। यहाँ पे टोटल 50 टेम्पल है एंड 50 मोर देन कैन सी इन आउटसाइड ऑफ द टाउन। ये कुछ टेम्पल्स के नाम भी हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन दुर्गा टेम्पल। मानना पड़ेगा पहले के ज़माने में, चालुक्य साम्राज्य के टाइमिंग में ना तो इतनी आधुनिक मशीन भी थी और ना ही इतना कुछ था, बट उस फिर भी इतना सुंदर आर्किटेक्ट एंड शिल्प कारीगरी। आप चाहें तो इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। दुर्गा टेम्पल के बारे में मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, बट उससे पहले ये देखिए कैसे वॉल पे छोटे छोटे स्कल्पचर की डिज़ाइन। ऐसा लगता है हर एक वॉल कुछ कह रही है, हर एक पिलर अपनी कहानी बताना चाहता है। इट वॉज सो ग्रेसफुल टू सीइंग अवर हिस्ट्री जो कि हमने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी। चलिए चलते हैं अंदर। अगर आप यहाँ गाइड करते हैं तो मे बी आपको इन्फॉर्मेशन दें, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था, सो आपको बताते हैं अबाउट दुर्गा टेम्पल। यह मंदिर वस्तुतः सूर्यदेव आदित्य को समर्पित था। इसके प्रवेश द्वार पर मिले विक्रमादित्य द्वितीय के काल के एक लेख से पता चलता है कि इसका निर्माण कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति ने कराया था। दुर्ग की प्राचीन दीवार के निकट स्थित होने के कारण इसे दुर्गा मंदिर कहा जाने लगा। भाषा में इसे या आम बोलचाल में इसे दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। ये टेम्पल का बाहर से व्यू है एंड यहाँ पे था शंकर जी का टेम्पल एंड ये छोटी सी बाउली टाइप भी थी। चलिए अब आपको ले चलते हैं म्यूजियम की तरफ। म्यूजियम के अंदर तो वैसे कैमरा अलाउ नहीं था, बट बाहर ही देखिए कुछ शिल्प कारीगरी जो कि पल्लव वंश ने सारी खंडित कर दी थी जब उनका टाइम था। हम आ जाते हैं म्यूजियम से बाहर एंड थोड़ा सा यहाँ वहाँ घूम के फोटो क्लिक करते हैं। आप भी देखिए हमारे कुछ वीडियो एंड फोटोशूट। इसी के साथ हम निकल जाते हैं हमारी सेकेंड डेस्टिनेशन ऑफ द डे, पट्टाडाकल। तो लंच करने के लिए हम पहुंच जाते हैं महाकुटेश्वरी खाना वाली में, बट उससे पहले हम बनवाते हैं टैटू।
इस शॉप पे टेम्परेरी टैटू बनते हैं जय महाकाल। ये जो रेस्टोरेंट है गिव यू अ ट्रेडिशनल फूड एंड प्योर वेज। आप भी देखिए ये रेस्टोरेंट भी हमें हमारे नजीर भाई ने सजेस्ट किया था। हम लोगों ने 500 रुपए में सबने भर पेट खाना खाया और खाना भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मतलब नेचुरल था। प्लीज़ यहाँ आइए और आप भी यहाँ खाना ज़रूर टेस्ट कीजिए। ये रेस्टोरेंट एक दादा दादी चलाते हैं। यहाँ पे एंट्री टिकट थी 40 रुपये। चलिए आपको थोड़ा सा पटाटा कल के बारे में भी बताते हैं। इतिहासकारों के अनुसार पटाटा कल की स्थापना 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के तहत की गई थी। पटाटा कल के नाम का अर्थ होता है राज अभिषेक का स्थान, जिसका उपयोग चालुक्य राजाओं द्वारा राज अभिषेक समारोह के लिए किया जाता था। पटाटा कल में राज अभिषेक कराने का विशेष कारण यह था कि इस जगह को विशेष रूप से पवित्र माना जाता था, क्योंकि ये वही जगह है जहां मलप्रभा नदी हिमालय में कैलाश पर्वत की ओर मुड़ गई थी। यह प्राचीन स्थल विभिन्न राजाओं और राजवंशों के शासन और शासन का गवाह रहा है, जिसमें संगमा वंश और मुगल साम्राज्य भी शामिल है। और भी आगे बताता जाऊंगा एंड यहाँ पे आपको हर जगह शिवलिंग मिलेंगे, तो आप भी हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव। चलते हैं यहाँ पे पहले मंदिर काशी विश्वेश्वर मंदिर। इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, क्योंकि इस बोर्ड में कुछ भी नहीं दिख रहा है। नए काशी विश्वेश्वरा पटाटा कल में निर्मित अंतिम हिंदू मंदिर है, जिसमें अद्भुत वास्तुकला और नक्काशी दिखाई देती है। विभिन्न मुद्राओं में मादा आकृतियों की बारीक रूप से तैयार की गई मूर्तियाँ, काले पत्थर के शिवलिंग, गरुण, जानवर और स्कंद के साथ शिव एंड पार्वती की आकृतियाँ मिलकर इस मंदिर को पट्टाडा कल प्रमुख पर्यटक स्थल में एक बनाती है। मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टाडा कल का एक भव्य मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य की दूसरी पत्नी द्वारा करवाया गया था। द्रविड़ स्थापित शैली में निर्मित मल्लिकार्जुन मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पट्टाडा कल समारोह का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर के पोर्च में नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकश्यप के वध की एक शानदार छवि भी है। इसके साथ साथ मंदिर महाभारत, रामायण और पंचतत्व की भी सुंदर नक्काशी देखी जा सकती है। हम आते हैं विरूपाक्षा टेम्पल। आप भी जानिए हमारे साथ इसकी हिस्ट्री को और कीजिए भोलेनाथ के दर्शन, वो भी 6वीं सदी के भोलेनाथ। हर हर महादेव। विरूपाक्ष मंदिर पट्टाडा कल का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि पट्टाडा कल के प्रमुख पर्यटक स्थल में से एक है। यह सभी मंदिर परिसर का एकमात्र सक्रिय मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। बताते हैं इस प्राचीन मंदिर में लिंगदव, नटराज, उग्र नरसिम्हा और रावण जैसे कई देवो देवताओं की प्राचीन मूर्तियां भी स्थापित हैं। इस मंदिर के विपरीत एक विशाल काले पत्थर का अखंड नंदी मंडप है, जिसकी दीवारों पर महिलाओं की नक्काशी भी की गई है। वहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग खंडित भी थे। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा पट्टाडा कल का ये टूर। वैसे तो यहाँ और भी बहुत सारे टेम्पल थे, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं था क्योंकि आज ही हमें बादामी भी कवर करना था। बट सच में बहुत अच्छा लगता है हमारी हिस्ट्री को इस तरह जानकर और उसको इस तरह देखकर, इस जो कि जो सिर्फ हमने पहले किताबों में ही पढ़ा होता है। चलिए अब इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचते हैं। बादामी की हिस्ट्री एंड टूरिस्ट प्लेसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, वो भी बहुत ही जल्द। आई होप आप सभी लोगों ने हमारे साथ वर्चुअली जुड़कर
बहुत सारी बातें जानी होंगी और हमारी हिस्ट्री के बारे में भी जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हमारे साथ वर्चुअली घूमते रहिए। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।